गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया टू बी डिवाइड द एनिमेलिया, द किंगडम एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके हमने क्राइटेरिया पढ़े थे, लाइक बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, ठीक है, इस टाइप का। तो नेक्स्ट इसमें क्राइटेरिया है, दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी डिवाइड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, कि जो बॉडी है वो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। अब सेगमेंटेशन का मतलब है सेगमेंट पार्ट्स, इट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, द ट्रू सेगमेंटेशन। मेटा मीन्स मल्टीपल एंड मर्स का मतलब यूनिट, कि बॉडी डिवाइडेड इंटू मल्टीपल यूनिट्स, दैट्स नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन। इट इज सीरीज ऑफ सेगमेंट्स अरेंज्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द एनिमल, कि जो सेगमेंट्स हैं वो एक सीरीज में अरेंज होंगे अलोंग द बॉडी ऑफ द एनिमल, कि होल एनिमल बॉडी आर हैविंग मल्टीपल सेगमेंट्स, कि मल्टीपल पार्ट्स होंगे, बट दीज सेगमेंट्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज इनटू द टू कंप्लीट ए होल बॉडी, कि बॉडी को कंप्लीट वो फॉर्म करेंगे, बट जो पार्ट्स हैं वो किस में होंगे, सेगमेंट्स में। अब दो टाइप का सेगमेंटेशन होता है, आउटर एंड इनर। बॉडी सेगमेंटेशन दो टाइप की होगी, एक या तो वो बाहर से सेगमेंटेड हो या फिर वो इंटरनली भी हो। व्हेन द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, कि बाहर से भी सेगमेंटेशन है और एज इट इज जैसा बाहर है वैसे ही सेगमेंटेशन अगर इंटरनल बॉडी के अंदर हो, सो सच एनिमल्स आर नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। मेटामेरिकल मीन्स मल्टीपल सेगमेंट्स आर अरेंज इन ए एनिमल, सो नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें मोस्ट कॉमन अर्थ फॉर्म की जो बॉडी है वो मल्टीपल सेगमेंट्स, 100+ सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, इतने पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है और वो आपस में एक सीरीज में बाइंड होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। देखो ये फ्रॉम टिप टू दिस वन इज बॉडी इज जस्ट लाइक, इस तरह के मल्टीपल पार्ट्स हैं। यहाँ देखो ये रहे, ये मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जो बाहर से भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, कि वो क्या है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है दिस वन। एंड बॉडी एज वेल एज सेगमेंटेड फ्रॉम द इंटरनल साइड, कि बॉडी जो अंदर से भी क्या है, सेगमेंटेड है। दिस पोर्शंस आर सेगमेंटेड एंड कनेक्टेड इन ए सीरीज, कि वो एक सीरीज में कनेक्टेड है, सो दे आर नोन एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट बॉडी सपोर्ट, कि बॉडी को सपोर्ट किस वजह से मिल रही है, कि सपोर्ट क्या है बॉडी की, वो बाहर से सपोर्टिव है या अंदर से कोई ऑर्गन है या कोई सेल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। द नेक्स्ट वन इज बॉडी सपोर्ट, द इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटन, कि जो बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली फ्रेमवर्क होगा जो बॉडी को सपोर्ट करेगा, दैट्स नोन एज स्केलेटन। अब दो टाइप के स्केलेटन हैं अकॉर्डिंग टू द पोजिशन और द फाइंडिंग, कि वो बॉडी के बाहर प्रजेंट है या बॉडी के इनर साइड। अगर वो बाहर की साइड है आउटसाइड, तो नोन एज एक्जोस्केलेटन। एक्जो मीन्स आउटर, सो इट्स नोन एज एक्जोस्केलेटन। इफ दैट इज प्रजेंट इनर साइड द बॉडी नोन एज एंडोस्केलेटन। जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक्जो टाइप का होता है, जैसे कॉकरोच के अंदर है, कॉकरोच के बाहर एक आउटर कवरिंग प्रजेंट होती है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सभी में बाहर एक आउटर कवरिंग प्रजेंट होती है, दे मे बी मेड अप ऑफ काइटिन, तो दे इज नोन एज एक्जोस्केलेटन। हायर डेवलप्ड एनिमल्स,
जो हाईली डेवलप हैं एनिमल किंगडम एनिमेलिया किंगडम के अंदर, उनके अंदर एक्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों टाइप का मिलता है। जैसे फिश के अंदर है, फिश के अंदर दोनों टाइप के स्केलेटन सिस्टम होते हैं, कोबरा, पैरेट, मैन। हमारे अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन्स का है, वो इनर साइड द बॉडी है। दिस इज द टाइप ऑफ बॉडी सपोर्ट। नाउ देयर इज आल्सो अनदर क्राइटेरिया फॉर द डिवीजन, दिस वन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है बॉडी के अंदर, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इन ओपन टाइप का मतलब है इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इन इट। मीन्स इसके अंदर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, नो देयर इज नो कैपिलरी, नो वेंस, नो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। डायरेक्टली जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सेल्स एंड टिश्यू। सो हेयर वी आर सेइंग सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इनसाइड द ब्लड, की ब्लड में के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। क्लोज टाइप में क्या होगा, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आर्टरी एंड वेंस, उनके अंदर फ्लो करेगा। वराइन डायमीटर लाइक आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरी। तो ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ब्लड सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी एनिमल्स की जो होल लाइफ, सॉरी जो होल स्ट्रेंथ है उसको क्लासीफाई करने में हेल्प कराता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नोटोकॉर्ड, द नेक्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। देखो नोटोकॉर्ड कहाँ से ड्राइव होगा, ड्राइव होने का मतलब डेवलपमेंट कहाँ से होगी, मेसोडर्मल से। जो मेसोडर्म लेयर है वो नोटोकॉर्ड को डेवलप करेगी। नोटोकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, कि एनिमल्स विच आर हैविंग इन रोड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड, यानी बैक साइड में जो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रजेंट है, तो दे आर नोन एज कॉर्डेट। उनको क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। और जिनमें नहीं है दे आर डू नॉट फॉर्म दिस कॉल नॉन कॉर्डेट्स। तो अब हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गए इसके अकॉर्डिंग भी, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पोरीफेरा टू एकिनोडर्म्स, ये फर्दर हम डिवीजन में पढ़ेंगे कौन कौन से फाइलम्स हैं। तो उसमें जो फाइलम पोरीफेरा है वहाँ से लेकर एकिनोडर्मेटा तक जो भी हैं वो सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट। और एकिनोडर्म्स से नेक्स्ट जो आएंगे वो सारे क्या हैं, कॉर्डेट। कॉर्डेट के भी फर्दर फिर टाइप्स हैं, होलो कॉर्डेट, सिफेलो कॉर्डेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। और देखो जितने भी जो क्राइटेरिया हमने पढ़े उनके बिहाव पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया है फॉलोइंग फाइलम्स के अंदर। दीज आर द फाइलम्स, दीज आर द फाइलम्स। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ किंगडम। किंगडम इज मल्टी सेलुलर एनिमेलिया। अब दो मल्टी सेलुलर हैं लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की वो दो टाइप की है, सेलुलर और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लाइक। फर्दर क्लासीफाइड टू टू क्लास, फर्स्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट सेलुलर लेवल, वो सिर्फ किसके अंदर है, पोरीफेरा के अंदर। सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है, एसिलोमेट्स हैं, कोई कैविटी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू तो प्रजेंट है लेकिन सिमेट्री चेंज है, सिमेट्री दो टाइप की है, रेडियल एंड बायलेटरी। तो रेडियल के अंदर सिर्फ
ये दो आएंगे, लेकिन वो दोनों क्या हैं, ए सिलोमेट। तो सिलेंट्रेट यानी नाइडेरियंस और टेनोफोरा, ये दोनों किस में आएंगे, ए सिलोमेट एंड रेडियल एंड द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यू ऑर्गन में रेडियल में हमने दो पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बाइलेटरल के अंदर, कि जो बाइलेटरल सिमेट्री है उसके अंदर। बाइलेटरल मतलब होता है बॉडी एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, लेकिन रेडियल में मल्टीपल प्लेन्स बट दे क्रॉसिंग एट द सेंटर पॉइंट। अब देखो बाइलेटरल भी फर्दर तीन क्लास में डिवीजन है, तीन ग्रुप है उसमें डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द कैविटी, बॉडी कैविटी और सीलोम। विदाउट बॉडी कैविटी ए सीलोमेट प्लेटी हेलमिंथस। तो देखो यहाँ एक क्राइटेरिया है कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथस, ये चारों क्या हैं, ए सीलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी। ओके नेक्स्ट वन इज दैट, कि नेक्स्ट क्या है, इसमें प्लेटी हेलमिंथस आ गया। नेक्स्ट है सूडो सीलोमेट, कैविटी प्रेजेंट भी है और नहीं भी, दैट इज द प्लेटी हेलमिंथस, सॉरी दैट इज द एस्कले हेलमिंथस विद फॉल्स सीलोम। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज सीलोमेट हैविंग द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। देखो यहाँ स्टार लगाया हुआ है अकाइनोडर्मेटा के अंदर, जो अकाइनोडर्मेटा है वो ड्यूल टाइप की जो सिमेट्री है उसको शो करेंगे, रेडियल एंड बाइलेटरल दोनों टाइप की शो करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे देखो अकाइनोडर्मल एग्जिबिट्स रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कि वो कौन सी स्टेज में है वो अलग अलग सिमेट्री को शो करेंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, कि ये क्या है, फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया की। सो द देर आर द फर्स्ट, हमारे पास जो फाइलम आएगा दैट इज पोरीफेरा, उसके बाद जो फाइलम है फर्स्ट पोरीफेरा, सेकेंड वन इज सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एस्कले हेलमिंथस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड द कोडेट्स। तो ये फर्दर फाइलम्स हैं, वी विल डिस्कस इंडिविजुअल फाइलम इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस डायग्राम्स। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमेलिया।